मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास वन का कोर्स बुक कादंबरी। बुक निकालिए और बैठ जाइए। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे लेसन 11 पार्ट 11। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 12। ठीक है, देखिए कौवा और कोयल। आज हम लोग पढ़ेंगे कौवा और कोयल। बुक निकालिए, कौवा और कोयल। देखिए इसमें है कौवा, दोनों पक्षी है, कौवा भी है और कोयल भी। ठीक है, आप लोग देखे होंगे, कौवा भी देखे होंगे और कोयल भी देखे होंगे। दोनों का कलर एक ही है, रंग दोनों का रंग क्या है, एक ही है काला। कोयल भी काली होती है और कौवा भी काला होता है। वो भी पक्षी, ये भी पक्षी, उसका भी दो पैर, इसका भी दो पैर। ठीक है, उसको भी खाने के लिए चोंच है, इसको भी है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। कोयल में और कौवा में बहुत अंतर है। कैसे, हम लोग इस कविता के माध्यम से देखेंगे। देखिए, तोता जी ने खूब सिखाया अच्छा अच्छा गाना। तोता जी ने खूब सिखाया अच्छा अच्छा गाना। फर्स्ट लाइन है, तोता जी ने खूब सिखाया अच्छा अच्छा गाना। देख रहे हैं यहाँ तोता का चित्र है, हाथ में स्टिक लिए हुए है, तो वो सिखा रहा है गाना। सब चिड़ियों ने सच्चे मन से कहना उनका माना। जितने भी चिड़िया है, पक्षी है, तोता का बात मानकर और जो तोता बता रहा है वैसे वो लोग कर रहे हैं। अब देखो आगे का लाइन, सब चिड़ियों ने सच्चे मन से कहना उनका माना, लेकिन कौवा कभी न बैठा, लेकिन कौवा कभी न बैठा। कक्षा में चुप करके कूट कूट खाता रहा निम्बौली पेड़ों पर छिप। देखिए क्लास लगा हुआ है, जैसे आप लोग क्लास में आते हैं, बैठते हैं, टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, उसी तरह से क्लास में सभी पक्षी बैठे हुए हैं क्लास करने के लिए, पढ़ने के लिए। और तोता जी जो है वो हाथ में स्टिक लेके सभी को पढ़ा रहे हैं और सिखा रहे हैं। उसी समय देखिए, फिर से ऊपर का लाइन ध्यान दीजिए, तोता जी ने खूब सिखाया अच्छा अच्छा गाना, सब चिड़ियों ने सच्चे मन से कहना उनका माना। ठीक है, सब चिड़ियों ने सच्चे मन से क्या किया, कहना उनका माना। सब चिड़िया बात माना, किसका, तोता का। तोता जी जो बोलते थे सब चिड़िया उनका कहना मानता था। कक्षा में चुप करके, लेकिन कौवा कभी न बैठा। कौवा जो था वो शांति से नहीं बैठा था क्लास में। कक्षा कहते हैं क्लास को, क्लासरूम को, तो वहां पर क्या हुआ, कौवा जो है कभी भी शांति से नहीं बैठा। अब देखो क्या कर रहा है, लेकिन कौवा कभी न बैठा कक्षा में चुप करके, चुप होकर कभी नहीं बैठ रहा है। कूट कूट खाता रहा निम्बौली पेड़ों पर छिपके, अपने मुंह में क्या लिया है, निम्बौली लिया है, जो कुतर कुतर के खा रहा है। ठीक है, कूट कूट खाता रहा निम्बौली पेड़ों पर छिपकर। ठीक है, पेड़ों पर छिपकर बैठा हुआ है। और निम्बौली कहते हैं नीम का जो फल होता है उसको निम्बौली कहते हैं। उस नीम के फल को वो ले लिया है और उसको कुतर कुतर कर खा रहा है, यानी कि क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। सभी पक्षी शांति से बैठे हुए, जैसे आप लोग कितना शांत बैठते हैं क्लास में, उसमें अगर कोई बच्चा हल्ला करता है तो उसको पनिश किया जाता है ना, उसी तरह से कौवा जो है क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। सभी बच्चे बैठ के, सभी पक्षी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपना मुंह चला रहा है, खा रहा है। ठीक है, देखो पेड़ों पर छिप करके, कोयल ने समझाया उसको पर वह समझ न पाया। कोयल बोल रही है कि नहीं खाओ कौवा, नहीं खाओ, कुछ नहीं खाओ, अभी तोता जी जो है हम लोग को सिखा रहे हैं, तुम चुप कर
न पाया, कूक कूक से उसको अपना खाँव खाँव ही भाया। उसको हमेशा बोलने का आदत होता है, किसको? कौवा को। कौवा को जो है हमेशा काँव काँव करने का आदत होता है। देखते हो कभी तुम लोग के ये छज्जा पर, छत पे, आंगन में कौवा आता है और काँव काँव बोलने लगता है, तो दादी बोलती है या मम्मी बोलती है कि उसको भगा दो। कौवा जो है बहुत कड़ा आवाज में बोलता है, कर्कश आवाज में बोलता है, इसलिए अच्छा नहीं लगता है। लोग क्या करते हैं, उसको भगा देते हैं, मार देते हैं, कहते हैं भागो यहाँ से, ठीक है। तो कोयल ने समझाया उसको, परवा समझ न पाया, कूक से उसको अपना काँव काँव निभाया। कूक कूक कोयल प्रेम से बोलती है, बहुत मीठी बोलती है, तो वो उसको नहीं अच्छा लगता, उसको अपना बोली ही अच्छा लगता है जो काँव काँव करता है कर्कश आवाज में। सहपाठी की जिद से हारी कोयल छिपकर गाती, अपनी मीठी काम सुनाकर सबका मन हर्षाती। हर्षाती कहते हैं खुश करना, ठीक है, हर्ष माने खुशी। तो सहपाठी यानी कि दोस्त, फ्रेंड, उन लोग का दोस्त होता है ना, दोस्त, फ्रेंड क्लास में, उसी तरह से कोयल की भी अपनी दोस्त है। तो कह रहा है यहाँ पे लिखा गया है कि सहपाठी की जिद से हारी, यानी कि दोस्त सब उसको इतना जिद की कि हार मान ली, और कोयल छिपकर गाती, वह भी छिपकर पेड़ पर बैठ के छिपके अपनी मीठी तान सुनाकर सबका मन मोह लेती है। उसकी तारीफें सुन सुन कर कौवा जलगुन जाता, घर घर जाकर शोर मचाता, कान सभी के खाता। कोयल की आवाज कैसी होती है? मीठी होती है। तो कोयल की मीठी आवाज से कौवा को क्या होता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, जल घुन जाता है, यानी कि उसको गुस्सा आता है कि उसकी आवाज क्यों मीठी है, सभी लोग उसी को क्यों प्यार करते हैं, उसी की आवाज क्यों सुनते हैं, मेरी आवाज कोई नहीं सुनता है। इसलिए कोयल जितना बार मीठा आवाज में गाना गाती है या बोलती है, उतना बार में, उतना आवाज में उससे ज्यादा ही कौवा अपना काँव काँव करता है, जिससे कि कोयल की आवाज छिप जाए और मेरा आवाज जो है सभी को सुनाई पड़े, ठीक है। घर घर जाकर शोर मचाता, कान सभी के खाता। अगर कौवा बैठ जाता है, घर पे बैठ जाता है, आंगन में बैठ जाता है और काँव काँव बोलने लगता है, तो कितना खराब लगता है कान को, कितना डिस्टर्ब होता है, उसकी आवाज जो है अच्छी नहीं है, मीठी नहीं है, उसकी आवाज मीठी नहीं है, उसकी आवाज कड़वी है। इसलिए किसी को पसंद नहीं होता है कौवा का आवाज। सबको किसकी आवाज पसंद होता है? कोयल की। कोयल बहुत मीठी गाती है, मीठी बोलती है और सबके मन को मोह लेती है, इसलिए कोयल की आवाज ही सभी को पसंद आता है, ठीक है। समझ गए कौवा और कोयल की कविता, एक बार और समझ लीजिए आप लोग, ध्यान दीजिए बुक में। तोता जी ने खूब सिखाया अच्छा अच्छा गाना। तोता क्या कर रहा है यहाँ पर? गाना सिखा रहे हैं सब किसी को। सब चिड़ियों ने सच्चे मन से कहना उनका माना। सभी चिड़िया है सच्चे मन से उनका कहना मानकर और गाना सीख रही है। लेकिन कौवा कभी न बैठा कक्षा में चुप करके, कूट कूट खाता रहा निम्बौली पेड़ों पर छिपके। लेकिन कौवा था, कौवा उसमें जो बैठा था वो कभी भी शांति से नहीं बैठा। वो क्या करता था? छिपके, पत्तों में छिपकर, पेड़ों में छिपकर वो क्या करता था? निम्बौली को कुतर कुतर कर काट काट के खाता था, अपना मुंह चलाता था, जिससे सभी पक्षी डिस्टर्ब हो जाते थे, सबको डिस्टर्ब करता था, परेशान करता था। कोयल ने समझाया उसको, पर वह समझ न पाया। कोयल बार बार समझाती थी कि तुम चुपचाप बैठो, जैसे हम लोग बैठे हैं और हम लोग का क्लास चल रहा है, तोता जी हम लोग को कुछ बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, गाना सिखा रहे हैं, तो तुम शांति से सुनो। लेकिन उसका बात नहीं मानता था। कौन नहीं मानता था? कौवा। कोयल ने समझाया उसको, पर वह समझ न पाया। कोयल बहुत समझाई लेकिन वह समझ न पाया। कूक कूक से उसको अपना काँव काँव ही भाया। कोयल की आवाज से, कूक कूक की जो आवाज है उससे अच्छा उसको क्या लगता है? अपना काँव काँव का आवाज, जो कर्कश आवाज होता है, कड़ा लगता है, वही उसको पसंद आता है।
सांपा ठीकी जिद से हारी कोयल छिपकर गाती अपनी मीठी तान सुनाकर सबका मन हर्षाती। दोस्त सब जिद किया कोयल तुम एक गाना गाओ तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है। तो कोयल क्या करती है गाना गाती है पेड़ों पर छिपकर पत्तों में और बहुत ही सुरीली आवाज में गाना गाती है जो सब किसी को बहुत अच्छा लगता है। उसकी आवाज सुनकर सभी पक्षी खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। कोयल की तारीफ सुनकर कौवा जो है जल भुन जाता है गुस्सा जाता है। उसकी तारीफें सुन सुन कर कौवा जल भुन जाता है। इधर के देखो पेज नंबर 65 में यहाँ पेज नंबर 65 में लिखा हुआ है उसकी तारीफें सुनकर किसकी तारीफ सुनकर कोयल की तारीफ सुनकर क्या होता है कौवा जो है जल भुन जाता है उसको अच्छा नहीं लगता। घर घर जाकर शोर मचाता हर घर में उड़कर इस घर से उस घर पे उस घर से उस घर पे जाता है घूम घूम के और सबके घर पे जाके सबके छत पे सबके छज्जा पे सबके मुंडेरा पर जाके काँव काँव करता है जिसे सभी लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं इसको भगा दो इसको मार के भगा दो इसका आवाज अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वो क्या करता है बात नहीं मानता है सबके घर में जाकर काँव काँव करता है और शोर मचाता है सभी के कान को खराब कर देता है आवाज अच्छा नहीं लगता है। ठीक है देखिए ये कविता आप लोगों का पूरा हो गया। अब क्वेश्चन देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है तोते जी ने क्या सिखाया। क्वेश्चन नंबर 1 में तोते जी ने क्या सिखाया तोते जी ने गाना सिखाया। कौवा छिप कर क्या करता था उतर कुतर कर निम्बौरी खाता था। कोयल ने किसको समझाया कोयल ने कौवा को समझाया। कौवा क्यों जल भुन जाता था कोयल की तारीफ सुनकर सभी पक्षी जो थे कोयल की आवाज इतनी मीठी थी कि उसका तारीफ करते थे तो उसको सुनकर कौवा जल भुन जाता था। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए पेज नंबर 66 पेज नंबर 66 में यहाँ कविता की पंक्तियां जो दी हुई है उसको पूरा करना है इसमें पूरा करके लिखना है जो छूट गया है जो नहीं दिया गया उसको आपको पूरा करना है। ठीक है जैसे कम है जी ने खूब सिखाया किसने खूब सिखाया तोता जी ने अच्छा अच्छा। ठीक है तो कविता से लाइन पढ़ के याद करके इसको भरना है। अब देखिए पेज नंबर 67 पेज नंबर इसमें 67 में देखिए पेज नंबर 67 में दिया है क्वेश्चन नंबर 3 सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सब चिड़ियों को गाना किसने सिखाया ऑप्शन दिया है कोयल ने कबूतर ने तोते ने तो क्या लगाइएगा तोते ने। सेकंड क्वेश्चन तोते का गाना किसने नहीं माना कौवे ने मोर ने कबूतर ने कौवे ने। कौवा किसकी तारीफ सुनकर जल भुन जाता है तोते की कोयल की चिड़िया की कोयल की। लय वाले शब्दों को जोड़ा मिलाइए जैसे पाया भाया गाना पाना जाता खाता सुन धुन। ये लेसन हम लोग का आज कंप्लीट हो गया 12 लेसन आज कंप्लीट हो गया हम लोग का फिर हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू हैव ए नाइस डे।